सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। टीबेट जीएम एक्टिव प्लस क्रीम जो कि स्किन रिलीफ के लिए यूज होती है, यूटीएल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि यूनिवर्सल ट्विन लैब के द्वारा बनाई जाती है। 25 रुपये का ये पूरा क्रीम रहता है। कंटेंट की बात करें तो क्लोबेटाजोल, प्रोप्योनेट, नियोमाइसिन सल्फेट एंड माइकोनोजोल नाइट्रेट डाला गया है इसके अंदर। तो ये स्किन रिलीफ में यूज होने वाली छोटी सी क्रीम है 10 ग्राम का। तो इस क्रीम के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि इस क्रीम को कब कब यूज किया जाता है, कब तक इसको लगाया जाता है और इसको लगाने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि सीबेट जीएम एक्टिव प्लस क्रीम किस लिए यूज होती है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जीएम एक्टिव प्लस क्रीम जिसके अंदर कंटेंट की बात करते तो क्लोबेटाजोल प्रोप्योनेट 0.05% वेट बाय वेट डाला गया, नियोमाइसिन सल्फेट 0.50% वेट बाय वेट है और माइकोनोजोल नाइट्रेट 2% डाला गया है। क्लोबेटाजोल प्रोप्योनेट जो कि एक स्टेरॉइड है जो कि ब्लॉक कर देता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर को जो कि रेस्पॉन्सिबल रहते हैं स्वेलिंग के लिए, इचिंग के लिए, रेडनेस के लिए। और नियोमाइसिन सल्फेट इसके अंदर डाला गया है जो कि एक एंटीबायोटिक क्रीम है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। और माइकोनोजोल नाइट्रेट जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगी को स्ट्रॉन्गी के सेल्फ मेम्बर को डिस्ट्रॉय करती है और फंगी का मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देती। तो सीबेट जीएम एक्टिव प्लस क्रीम जो कि यूज होती है फंगल इन्फेक्शन में और स्किन इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। तो इस क्रीम को डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं स्किन इन्फेक्शन के अंदर। तो सीबेट जीएम एक्टिव प्लस क्रीम के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।